नमस्कार दोस्तों, देखो मुझे पता है आप अपनी जो लड़ाई है वो आखिरी मोमेंट तक जारी रखोगे और आपकी जो मेहनत और डेडिकेशन है ना, यही ओनलीआईएस की टीम के लिए मोटिवेशन है और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने के लिए और आखिरी मोमेंट तक आपका साथ देने के लिए। 1857 में रिवोल्ट होता है जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस रिवोल्ट के बाद देश में नेशनलिज्म का राइज देखने को मिलता है। इस रिवोल्ट की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को जब मेरठ में सिपोई म्यूटिनी होती है। अगर इस रिवोल्ट के कॉजेज की बात करें तो इकोनॉमिकल कॉजेज जैसे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, हैवी टैक्सेशन, पॉलिटिकल रीजंस जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि 1948 में आया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रिंसली स्टेट्स पर कब्जा कर लिया जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस जैसे कि करप्शन, और सबसे लास्ट में सोशियो रिलीजियस रीजंस जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और ब्रिटिशर्स के द्वारा रिफॉर्म्स लेके आना जैसे सती एक्ट। अगर इस रिवोल्ट के इमीडिएट कॉजेस की हम बात करें, सोल्जर्स को जो राइफल यूज करने के लिए दी गई थी रॉयल इनफील्ड राइफल, इस राइफल में जो कैटरेज इस्तेमाल होता था ना, उस कैटरेज की ग्रीसिंग में काओ और पिग फैट का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से सोल्जर्स की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। इस रिवोल्ट का अंत होता है जून 1858 में जब ब्रिटिशर्स के द्वारा ग्वालियर फोर्ट को कैप्चर कर लिया जाता है। बात करें रिवोल्ट के फेल होने की रीजंस क्या हैं। सबसे पहला रीजन लिमिटेड अपराइजिंग। देखो ये जो अपराइजिंग थी ना लिमिटेड एरियाज में थी, साउथ इंडिया में पार्टिसिपेशन काफी लो था, सिंधियाज ने होल्कर्स ने इस अपराइजिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, कोई इफेक्टिव लीडर भी नहीं था इस रिवोल्ट में, स्कैटर्ड लीडरशिप थी, कोई यूनिटी नहीं थी, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, वेपन्स की कमी थी, एमिनेशन की कमी थी, और देखो सभी सेक्शंस ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था इस रिवोल्ट में। जैसे कि इंग्लिश एजुकेटेड क्लास, इनको तो ये लगता था ब्रिटिशर्स हमारे देश में हैं, वो देश के अच्छे के लिए हैं, उनसे देश को फायदा होगा। इसके बाद बात करें इस रिवोल्ट के बाद क्या होता है। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इस एक्ट में क्या प्रोविजन हुआ, इस एक्ट के बाद हमारे देश में क्राउन रूल एस्टैब्लिश हो गया। एक्ट में प्रोविजन ये था, नई पोस्ट बनी वाइसराय ऑफ इंडिया की, इससे पहले पोस्ट जो हुआ करती थी गवर्नर जनरल की वो खत्म कर दी गई। देश के पहले वाइसराय बने लॉर्ड कैनिंग। इस एक्ट के अंतर्गत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम की भी अलग से एक पोस्ट एस्टैब्लिश की गई। और क्या क्या हुआ रिवोल्ट के खत्म होने के बाद, ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया अगर हिंदू और मुस्लिम मिल के रहेंगे, शांति से रहेंगे, तो ये उनके रूल के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की रणनीति पर काम करना स्टार्ट कर दिया। नेशनलिज्म हमारे देश में इमर्ज होके आया और नई तीन प्रेसिडेंसीज भी इस्टाब्लिश हुई, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। नेक्स्ट 1859 में इंडिगो रिवोल्ट आया वेस्ट बंगाल में। इंडिगो रिवोल्ट इसलिए आया क्योंकि किसानों को मजबूर किया जाता था इंडिगो उगाने के लिए। मजबूरी में जब किसानों ने विरोध किया तो मजबूरी में ब्रिटिशर्स को इंडिगो कमीशन लाना पड़ा 1860 में। इसके बाद 1860 में आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड भी आया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है जिसके तहत देश में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टाब्लिश की जाती है, जिसमें मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 मेंबर्स हो सकते थे। बट देखो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टाब्लिश की गई थी ना, इसके पास कोई रियल पावर्स नहीं थी। ये काउंसिल ना तो बजट डिस्कस कर सकती थी, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन पर चर्चा कर सकती थी। इस काउंसिल में 1862 में 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया, राजा ऑफ बनारस, नंबर 2 राजा ऑफ पटियाला, नंबर 3 सर दिनकर राव। एक्ट में प्रोविजन ये भी किया गया था, वायसराय को पावर दी गई थी ऑर्डिनेंस इशू करने की। वायसराय के द्वारा जारी किया गया ऑर्डिनेंस 6 महीने तक वैलिड रह सकता था। 1861 में देखो सिविल सर्विसेज एक्ट भी आया। इसमें प्रोविजन यह किया गया था सिविल सर्विसेज में एंट्री के लिए एग्जाम होगा इंग्लैंड में, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन एग्जाम में ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट 1862 में 3 नई हाईकोर्ट्स इस्टाब्लिश हुई, कैलकाटा हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट। 1866 में यानी 4 साल बाद वैसे एक और हाईकोर्ट भी इस्टाब्लिश होती है, अलाहाबाद हाईकोर्ट। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन होते हैं जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं। एक साल बाद 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी सेटअप की जाती है। 1869 में यानी 5 साल बाद लॉर्ड मायो देश के नए वाइसराय बनते हैं, और 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी जन्म होता है 1869 में। इसके एक साल बाद यानी 1870 में फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट आता है, और 1870 में ही
पूना सार्वजनिक सभा इस्टैब्लिश होती है। ये इस्टैब्लिश की जाती है एम जी रनाडे के द्वारा। इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टैब्लिश करने का मकसद होता है पीजेंट राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एक साल बाद 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आता है, जो कि देखो कुछ पूरी की पूरी कम्युनिटीज को ही क्रिमिनलाइज कर देता है एज ए हैबिचुअल क्रिमिनल। 1872 में फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस कंडक्ट होता है। अभी सेंसस पे काफी चर्चा चल रही है, कास्ट सेंसस कंडक्ट किया जाए या फिर ना किया जाए। 1872 में जो सबसे पहली बार सेंसस कंडक्ट हुआ था, उसमें देखो चार पैरामीटर्स को ध्यान में रखा गया था, कास्ट, रिलीजन, प्रोफेशन और एज। 1872 में जो ये फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस कंडक्ट हुआ था ना, अब देखो ये भी याद रखना, हेनरी वोल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1830 में ढाका में सेंसस कंडक्ट किया था सबसे पहली बार। 1872 में ही नेटिव मैरिज एक्ट आता है, जो कि देखो चाइल्ड मैरिजेस को प्रोहिबिट करता है। 14 साल से कम बच्चों की शादी नहीं हो सकती, ये प्रोविजन हुआ था 1872 में आए इस नेटिव मैरिज एक्ट में। 3 साल बाद 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टैब्लिश होता है अलीगढ़ में। ये कॉलेज इस्टैब्लिश किया जाता है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनती है, इसको इस्टैब्लिश किया जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1876 में ही लॉर्ड लिटन देश के वायसराय बनते हैं और रॉयल टाइटल एक्ट भी आता है। इसके तहत यूके पार्लियामेंट के द्वारा क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया का स्टेटस दिया गया था। एक साल बाद यानी 1877 में सेकंड दिल्ली दरबार लगता है और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, जिसके तहत इंडियन लैंग्वेज प्रेस की फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया था, यानी कर्ब कर दिया गया था। इसके बाद 1880 में लॉर्ड रिपन देश के वायसराय बनते हैं। एक साल बाद 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है, जिसके तहत वो बच्चे जिनकी एज 7 साल से कम थी उनके काम करने पर रोक लगा दी जाती है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में ही ये अनिवार्य कर दिया जाता है कि वर्कर्स को 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा एक दिन में और 1 महीने में 4 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। 1881 में ही पहली बार सिंक्रोनस सेंसस कंडक्ट होता है, जो कि देखो अभी तक लगातार कंडक्ट होता आ रहा है, लेकिन कोविड-19 के चलते 2021 में इसमें ब्रेक आ गया। एक साल बाद 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में आया था, इसे रिपील कर दिया जाता है और 1882 में ही हंटर एजुकेशन कमीशन इस्टैब्लिश होता है, जिसको काम दिया जाता है 1854 में आए वुड्स डिस्पैच को एसेस करना। एक साल बाद 1883 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत होती है, जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट्स को पावर्स दी जाती हैं। 1883 में ही इल्बर्ट बिल आता है, जिसके तहत इंडियन जजेस को पावर दी जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि वो यूरोपियन सब्जेक्ट्स से संबंधित जो केसेस हैं उनको भी प्रिजाइड कर सकते हैं, लेकिन देखो इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ, इस बिल को डाइल्यूट कर दिया गया। ये प्रोविजन किया गया कि एक ज्यूरी इस्टैब्लिश होगी जिसमें कम से कम 7 जजेस यूरोपियन होंगे और 5 जजेस इंडियन होंगे। ये ज्यूरी यूरोपियन सब्जेक्ट को प्रिजाइड कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन कर दिया गया, मतलब इल्बर्ट बिल को कमजोर कर दिया गया। देखो जब ये बिल आया था ना, तो यूरोपियंस ने मतलब ब्रिटिशर्स ने काफी संगठित होकर विरोध किया, तो नेशनलिस्ट ने इससे काफी कुछ सीखा कि कैसे ब्रिटिशर्स संगठित होकर काम करते हैं। तो जो नेशनलिस्ट लोग थे उनको भी लगा कि हमें भी संगठित होकर काम करना चाहिए। एक साल बाद 1884 में लॉर्ड डफरिन देश के वायसराय बनते हैं और देखो 1885 से एक मॉडरेट फेस ऑफ नेशनलिज्म की शुरुआत हो जाती है, मतलब ये जो फेस स्टार्ट होता है 1885 से, ये फेस चलता रहता है 1905 तक। जो मॉडरेट फेस था नेशनलिज्म में, इसके तहत प्रेयर, पिटीशन, इन सब मेथड्स पे फोकस किया जाता है और ये जो मॉडरेट्स होते थे ना, ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की मांग करते थे। 1884 में मद्रास महाजन सभा इस्टैब्लिश होती है, ये एम वीरराजचारी और आनंद चार्लू के द्वारा मिलकर इस्टैब्लिश की जाती है। एक साल बाद 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इस्टैब्लिश होती है, इसे फिरोज शाह मेहता, के टी तेलांग और तैयब जी के द्वारा मिलकर इस्टैब्लिश की जाती है। 28 दिसंबर को इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टैब्लिश होती है, ये इस्टैब्लिश की जाती है एओ हुम के द्वारा। देखो यहां पर जो लोग कांग्रेस को इस्टैब्लिश होने को क्रिटिसाइज करते हैं वो सेफ्टी वॉल की थ्योरी देते हैं, और जो
इसे सपोर्ट करते हैं वो लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी देते हैं। सबसे पहला जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसकी प्रेसिडेंसी की गई थी डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा। पहले सेशन में 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था और बॉम्बे में ये सेशन कंडक्ट हुआ था। शुरुआत में तो देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेथड्स थे वो प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट वाले थे। मकसद ये था कि देश में एक डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट को इस्टेब्लिश करना। इसके बाद 1888 में लॉर्ड लैंसडाउन देश के वायसराय बनते हैं और 1888 में ही अनटचेबल्स के लिए पहला टेंपल बनता है। कहां पर? केरला के अरी विपुरम में। ये देखो शिवा टेंपल था जिसे श्री नारायण गुरु के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। एक साल बाद 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ आईएनसी इस्टेब्लिश होती है लंदन में। इसका काम ये था ब्रिटेन में रिफॉर्म्स के लिए पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना। इस कमेटी के द्वारा देखो एक जर्नल इंडिया भी इस्टेब्लिश किया गया था ताकि कांग्रेस के जो व्यू हैं वो प्रेजेंट किया जा सके इस जर्नल इंडिया की सहायता से। दो साल बाद 1891 में सेकंड फैक्ट्री एक्ट आता है। इस एक्ट में प्रोविजन ये किया गया था कि वो बच्चे जिनकी एज 9 साल से कम है वो काम नहीं कर सकते और महिलाएं जो हैं वो मैक्सिमम एक दिन में 11 घंटे काम कर सकती हैं और महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती। 1891 में ही कंसेंट एक्ट आता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट में प्रोविजन ये किया गया था कि वो लड़कियां जिनकी एज 12 साल से कम है वो शादी नहीं कर सकती। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया जिसमें प्रोविजन ये किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 मेंबर्स हो सकते हैं जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। देखो प्रोविजन ये भी किया गया था ये मेंबर्स अब बजट डिस्कस कर सकते हैं और सरकार से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। एक साल बाद 1893 में तिलक के द्वारा गणपति फेस्टिवल्स की शुरुआत की गई पुणे के राजगढ़ फोर्ट से। मकसद ये था देश में यूनिटी और नेशनलिज्म की स्पिरिट को मोबिलाइज करना। 1893 में ही स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में ऑर्गेनाइज हुई वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में अपनी स्पीच दी। 11 सितंबर को स्पीच दी गई थी। 9/11 वैसे आप अलग रीजन के लिए याद रखते हो लेकिन स्वामी विवेकानंद की स्पीच के लिए भी याद रख सकते हो। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 1893 में ही अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच ड्यूरंड लाइन डिमार्केट हुई। काफी सुर्खियों में रहती है ये ड्यूरंड लाइन आजकल क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस लाइन को लेकर विवाद होता है। सेकेंड एंग्लो जो अफगान वार है उसके बाद ये ड्यूरंड लाइन डिमार्केट हुई थी। इसके बाद देखो 1894 में लॉर्ड इल्गिन द्वितीय ये देश के वायसराय बनते हैं और 1894 में ही लाला लाजपत राय के द्वारा पीएनबी बैंक एस्टैब्लिश किया जाता है। इसके एक साल बाद 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत की जाती है ये भी पुणे के राजगढ़ फोर्ट से। 1895 में ही डेक्कन सभा एस्टैब्लिश की जाती है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ये जो सभा बनी थी ये देखो पूना सार्वजनिक सभा के स्प्लिट के बाद बनी थी। पूना सार्वजनिक सभा का स्प्लिट क्यों हुआ था? ये एज ऑफ कंसेंट बिल के इशू पर हुआ था। इसके बाद 1897 में बबोनिक प्लेग आता है बॉम्बे में और पुणे में। इसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 लाया जाता है। काफी हार्श मेजर्स अपनाए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा इस प्लेग से निपटने के लिए। इसके विरोध में चापेकर ब्रदर्स के द्वारा डब्ल्यू सी रांड की हत्या कर दी जाती है पुणे में। जब देखो इनको गिरफ्तार किया जाता है तो तिलक ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करते हैं अपने केसरी न्यूज़पेपर में। इसके विरोध में ब्रिटिशर्स के द्वारा तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है और 18 महीनों की सजा दे दी जाती है। 1897 में ही बैटल ऑफ सारागढ़ी हुई थी जिसमें 21 सिख सोल्जर्स 36 रेजिमेंट के जो इंडियन आर्मी से संबंध रखते थे वो अफगान ट्राइब के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। इससे संबंधित मूवी बनी है अक्षय कुमार की, आपने देखी होगी। दो साल बाद 1899 में लॉर्ड कर्जन देश के वायसराय बनते हैं। इसके एक साल बाद 1900 में पंजाब लैंड एलिगेशन एक्ट आता है। इस एक्ट को लाने का मकसद ये था जमींदारों के इंटरेस्ट को बचाना, प्रोटेक्ट करना मनी लैंडर्स के अगेंस्ट। देखो 1907 में पगड़ी संभाल मूवमेंट चली थी और ये चलाई गई थी अजीत सिंह के द्वारा। इस मूवमेंट के बाद 3 लॉज को रिपील कर दिया गया था इंक्लूडिंग पंजाब लैंड एलिगेशन एक्ट। और 1900 में ही फर्स्ट टाइम इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था।
इस ओलंपिक में नॉर्मन प्रीचार्ड ने 2 सिल्वर मेडल्स जीते थे। इसके 4 साल बाद 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है। इसके बाद इस एक्ट के बाद ही देश में यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देना स्टार्ट किया गया था। बट देखो, हिडन मोटिव इस एक्ट का ये था, यूनिवर्सिटीज को मैनेज करने वाली जो काउंसिल्स होती हैं उसमें गवर्नमेंट अपने पर्सन को नॉमिनेट करती थी ताकि यूनिवर्सिटीज पे कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जा सके। 1904 में ही कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट आता है। इसके बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट होती है। फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश होती है मद्रास के कांजीवरम में। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अमेंडमेंट होता है। इसके तहत जो प्रेस है उसको कर्ब किया जाता है। एक साल बाद 1905 में 19 जुलाई को पार्टीशन अनाउंस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, बंगाल पार्टीशन, ताकि नेशनलिज्म को वीक किया जा सके। ये नेशनलिज्म, ये पार्टीशन अनाउंस होता है लैंग्वेज और रीजन के आधार पर। इसके विरोध में देखो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है। स्वदेशी मूवमेंट को लीड किया जाता है बॉम्बे में तिलक के द्वारा, पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा, चेन्नई में चिदंबरम पिल्लई के द्वारा और दिल्ली में सैयद राजा के द्वारा। लेकिन देखो 16 अक्टूबर को पार्टीशन आखिरकार हो ही जाता है। इस दिन को डे ऑफ मॉर्निंग के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है और फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया जाता है। जब देखो बंगाल पार्टीशन के विरोध में मूवमेंट चल रही थी ना, तो फिर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच डिफरेंसेस देखने को मिले। एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे इस मूवमेंट को, स्वदेशी मूवमेंट को सिर्फ बंगाल तक सीमित ना रखा जाए, इसे देश के दूसरे इलाकों में भी स्प्रेड किया जाए। जबकि मॉडरेट्स को लगता था कि रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स धीरे धीरे करके रिफॉर्म लेके आएंगे, तो अभी हमें अपनी मांगों को सीमित रखना चाहिए। 1905 में ही लॉर्ड मिंटो देश के वायसराय बनते हैं। इसके एक साल बाद 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टैब्लिश होती है। और इसके बाद 1906 में ही मुस्लिम लीग इस्टैब्लिश होती है। ये शिमला डेपुटेशन के बाद अक्टूबर में इस्टैब्लिश की जाती है नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका के द्वारा। 1906 में ही कलकत्ता सेशन ऑर्गेनाइज होता है कांग्रेस का। और इसमें देखो प्रेसिडेंसी को लेके एक लड़ाई देखने को मिलती है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच। आखिरकार दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया जाता है। 1906 का जो कलकत्ता सेशन था, इसमें स्वराज को गोल अडॉप्ट कर लिया जाता है। स्वराज मतलब यूके की कॉलोनी बनके रहना और थोड़ा बहुत सेल्फ गवर्नमेंट, और नेशनल एजुकेशन संबंधित रेजुलेशन भी अडॉप्ट किया गया था। इसके एक साल बाद कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, जिसे सूरत स्प्लिट का नाम से जाना जाता है। रीजंस देखो ये थे, एक तो प्रेसिडेंसी को लेकर विवाद था। एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे या तो बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए। दूसरी तरफ मॉडरेट्स ये चाहते थे राज बिहारी घोष को प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया जाए। देखो विवाद ये था, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज हो सूरत में। अगर सूरत में सेशन ऑर्गेनाइज होता तो बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे। इसलिए एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे कि नागपुर में कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज हो। आखिरकार देखो कांग्रेस का डिवीजन हो गया, और जो ये सूरत में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, ये देखो एग्जाम्पल है ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल एंड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का। तो ये आपने कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न इंडिया टाइमलाइन का फर्स्ट पार्ट देखा। कैसा लगा आपको ये, कितना यूजफुल रहा? आप अपना जो फीडबैक या फिर सजेशंस हैं वो देखो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ताकि सेकंड पार्ट में उन सजेशंस को इंप्लीमेंट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। सूरत स्प्लिट के बाद 1907 में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है, और ये फेज 1917 तक चलता रहता है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के स्टार्ट होने के पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे देखो लोगों को ब्रिटिश रूल का एक्सप्लोइटेटिव नेचर समझ में आ जाता है। हमारे देश के लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट की ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसका कुछ श्रेय उस समय लाल बाल पाल को जाता है। एजुकेशन का ग्रोथ होता है। हमारे देश के लोगों पर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज होता है। उन्हें समझ में आता है जब एशिया का एक देश जापान रशिया को 1905 में डिफीट कर सकता है, तो हम ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं डिफीट कर सकते। इसके साथ साथ मॉडरेट्स जो अभी तक ज़्यादा एक्टिव थे, उनके कामकाज से कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा था, तो लोग उनसे असंतुष्ट होते जा रहे थे। और वैसे देखो मिलिटेंट थॉट तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। 1902 में अनुशीलन समिति का गठन किया जाता है प्रोमोथा मित्रा और जतिन नाथ के द्वारा। 1907 में ही युगांतर ग्रुप ने सर फुलर को मारने की कोशिश की। सर फुलर उस समय ईस्ट बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। युगांतर ग्रुप को इस्टैब्लिश किया गया था बरिंदर कुमार घोष के द्वारा,
और युगांतर ग्रुप ने युगांतर वीकली के नाम से एक पत्रिका स्टार्ट की 1906 में। इसके एक साल बाद 1908 में अलीपुर बोम केस सामने आया। इसमें क्या हुआ, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरनगर में एक वाइट जज के ऊपर बोम फेंकने की कोशिश की। हालांकि जज बच गए थे इस केस में। तो अलीपुर बोम केस में श्री अरबिंदो और बरिंद्र को अरेस्ट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके एक साल बाद यानी 1909 में नासिक कंस्पायरेसी सामने आई। इसमें क्या हुआ, नासिक के कलेक्टर थे जैक्सन, उनकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा, लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा। लक्ष्मण कन्हारे अभिनव भारत के मेंबर थे। 1909 में ही वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पहले इंडियन ज्वाइन करते हैं। नाम क्या था, एसपी सिन्हा। 1909 में ही इंडियन काउंसिल एक्ट आता है जिसे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन किया गया था और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या मिनिमम 16 और मैक्सिमम 60 कर दी गई थी, मिनिमम 16 मैक्सिमम 60। इसके साथ साथ इस एक्ट में मेंबर्स को पावर दे दी गई थी रेजोल्यूशन मूव करने की और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की। इसके एक साल बाद 1910 में लॉर्ड हार्डिंग वायसराय बनते हैं देश के। मोहम्मद अली जीना जो पहले कांग्रेस मेंबर थे वो मुस्लिम लीग को अटेंड करना स्टार्ट करते हैं, मुस्लिम लीग की मीटिंग्स को अटेंड करना स्टार्ट करते हैं और 1913 में फाइनली मोहम्मद अली जीना मुस्लिम लीग के मेंबर बन जाते हैं। मोहम्मद अली जीना बॉम्बे से लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर इलेक्ट होते हैं एक रिजर्व्ड मुस्लिम सीट से। इसके एक साल बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगता है और जॉर्ज फिफ्थ एम्परर बनते हैं। 1911 में ही बंगाल पार्टीशन, बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था उसे रद्द कर दिया जाता है और इसी के साथ स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल विभाजन के अगेंस्ट चल रही थी वो भी समाप्त हो जाती है। लेकिन देखो, बंगाल के विभाजन रद्द करने से मुस्लिम्स शोक हो जाते हैं, तो मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए ब्रिटिशर्स देश की कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं कोलकाता से दिल्ली में, जो कि मुस्लिम ग्लोरी का एक प्रतीक थी क्योंकि मुगल सीट जो थी वो दिल्ली में थी। 1911 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता सेशन ऑर्गेनाइज होता है जहां पे पहली बार जन गण मन गाया जाता है जो कि आज के समय में हमारा नेशनल एंथम है और इसे लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। एक साल बाद 1912 में दिल्ली कंस्पायरेसी केस सामने आता है। इस केस में चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बोम अटैक हुआ था। किसके द्वारा ये बोम अटैक कैरी आउट किया गया था, रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल, बसंत कुमार विश्वास के द्वारा। एक साल बाद 1913 में इंडिया की फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज होती है। किसके द्वारा ये फिल्म बनाई जाती है, दादा साहब फाल्के के द्वारा, जिसे इंडियन सिनेमा का जनक माना जाता है। 1913 में ही रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिलता है और 1913 में ही गदर पार्टी की फॉर्मेशन होती है। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। किसके द्वारा गदर पार्टी फॉर्म की जाती है सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल, रामचंद्र, सोहन सिंह बकाना के द्वारा। एक साल बाद 1914 में कमागाटा मारू इंसिडेंट घटित होता है। कमागाटा मारू एक शिप का नाम था जो सिंगापुर से कनाडा में पहुंचा था, लेकिन कनाडा में उस शिप को मजबूर किया वापस इंडिया में लौटने के लिए। जब वो शिप वापस इंडिया में लौटा कोलकाता के बज पोर्ट पर, वहां ब्रिटिशर्स ने उस शिप में मौजूद लोगों को डिटेन करने की कोशिश की। वायलेंस हुआ जिसमें 22 लोगों की जान चली गई। इससे जो गदराइट थे यानी कि गदर पार्टी के मेंबर्स वो गुस्से में आ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम 21 फरवरी 1915 को जवाब देंगे रिटालिएट करके। लेकिन देखो, उनका ये प्लान सफल नहीं हो सका गद्दारी के कारण। तो जब ब्रिटिशर्स को उनका प्लान पता लगा, काफी लोगों को अरेस्ट किया गया और 1915 में एक एक्ट ब्रिटिशर्स लेके आए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है जो 1918 तक चलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में मॉडरेट्स ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। एक्सट्रीमिस्ट ने भी ये सोचा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद स्वराज मिलेगा, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। और रेवोल्यूशनरीज को लगा ये बिल्कुल सही समय है ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करने का। 1914 में शिमला एकॉर्ड भी साइन हुआ जिसके तहत मैकमोन लाइन
पर सहमति बनी ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच। मैकमोन लाइन को लेकर इंडिया और चाइना के बीच अक्सर विवाद रहता है, तो शिमला एकॉर्ड के बाद ये मैकमोन लाइन इमर्ज होकर आई थी। शिमला एकॉर्ड कब साइन हुआ था? 1914 में। एक साल बाद 1915 में अफगानिस्तान में एक प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जाती है राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा, महेंद्र प्रताप बरकतुल्ला। उस समय अफगानिस्तान के क्राउन प्रिंस थे अमनुल्ला, उनकी सहायता से राजा महेंद्र प्रताप ने ये प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की थी अफगानिस्तान में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से और अहमदाबाद में आश्रम एस्टैब्लिश करते हैं जिसका नाम था साबरमती आश्रम। 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है। इस मूवमेंट का मकसद था ब्रिटिशर से देश को सेल्फ रूल दिलवाना पॉलिटिकल एजुकेशन और डिस्कशन की सहायता से। ये एक प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार के अगेंस्ट नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स था। क्यों स्टार्ट हुई होम रूल लीग मूवमेंट? क्योंकि देखो, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं आ रहे थे, मतलब जो आ रहे थे जैसे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, उससे देश के लोग असंतुष्ट थे और फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण इकोनॉमिक सिचुएशन काफी खराब हो गई थी, लोग भी सफर कर रहे थे, टैक्स इंक्रीज कर दिया गया था, महंगाई चरम पर थी और ब्रिटेन का इंपीरियलिस्टिक वार नेचर भी जाहिर हो चुका था, एक्सपोज हो चुका था जनता के सामने। तिलक को जेल से रिहा कर दिया गया था, तिलक ने गवर्नमेंट और मॉडरेट्स को भरोसा दिलाया कि वो रिफॉर्म पर ज्यादा फोकस करेंगे और सरकार को ओवरथ्रो करने की कोशिश नहीं करेंगे। होम रूल लीग मूवमेंट को तिलक ने लीड किया। होम रूल लीग मूवमेंट की दो ब्रांचेस थी, एक को लीड किया गया तिलक के द्वारा। तिलक की होम रूल लीग मूवमेंट का प्रभाव महाराष्ट्र तक सीमित था। उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया महाराष्ट्र के बेलगाम से अप्रैल 1916 में, जबकि दूसरी तरफ एनी बेसेंट ने जो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की वो मद्रास से की और इनका प्रभाव बाकी बचे हुए भारत तक था। मद्रास से एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट की सितंबर 1916 में। 1919 आते आते रूल लीग मूवमेंट का जो प्रभाव था वो फीका पड़ गया। रीजंस काफी थे, एक तो देखो गवर्नमेंट ने काफी रिप्रेशन किया, दूसरा 1917-18 में कम्युनल राइट्स देखने को मिले और 1919 आते आते ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म की बात फिर से स्टार्ट कर दी। इस वजह से होम रूल लीग मूवमेंट का जो प्रभाव था वो कमजोर हो गया। 1916 में ही मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फिर से एकजुट हो गए लखनऊ सेशन में और उस सेशन को हेड किया गया था, यानी उस सेशन के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार यानी एसी मजूमदार। इसके बाद 1916 में ही लखनऊ पैक देखने को मिला, इसके अंतर्गत कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकजुट हो गए एक कॉमन गोल पर, वो था सेल्फ रूल। उस समय मुस्लिम लीग को लीड किया जा रहा था जिन्ना के द्वारा, लेकिन देखो कांग्रेस ने इस लखनऊ पैक में सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजन को स्वीकार कर लिया। इसके एक साल बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह देखने को मिला। अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बिहार में इन्वाइट किया था पीजेंट्स की हालत देखने के लिए। बिहार में पीजेंट्स को इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, वहां पर 3 कठिया सिस्टम था, यानी 20 में तीसरे हिस्से पर पीजेंट्स को इंडिगो उगाना ही पड़ता था। उनसे इलीगल ड्यूज वसूले जाते थे और हाई रेंट भी वसूला जाता था। तो चंपारण सत्याग्रह देश की पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी। गांधी ने गवर्नमेंट के ऑर्डर को नहीं माना, गवर्नमेंट ने गांधी जी को आदेश दिया था कि वो बिहार छोड़कर चले जाएं, लेकिन गांधी जी ने गवर्नमेंट के ऑर्डर को डिफाई कर दिया था। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई थी। कमेटी ने यह रिकमेंड किया 3 कथियां सिस्टम को एबोलिश कर दिया जाए और पीजेंट्स को 25% कंपनसेशन दी जाए। 1917 में ही अगस्त डिक्लेरेशन आया जिसे मोंटेग्यू स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह स्टेटमेंट यूके पार्लियामेंट में दिया गया था जिसमें कहा गया इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट देने की पॉलिसी पर ब्रिटिशर्स काम करेंगे। एक साल बाद 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देखने को मिली, किस इशू पर? प्लेग बोनस को डिसकंटिन्यू करने के इशू पर। यह देखो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। बाद में मिल ओनर्स वेजिस में 35% इंक्रीज करने पर राजी हो गए।
इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह देखने को मिला गुजरात में। हुआ यह था, क्रॉप्स फेल हो गई थी लेकिन बावजूद इसके गवर्नमेंट टैक्स डिमांड कर रही थी। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में ये इंडिया का फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी। महात्मा गांधी ने किसानों को बोला कि आप गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट मत कीजिए, टैक्स मत पे कीजिए। आखिरकार गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। 1918 में ही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई जिसमें नए रिफॉर्म लाने की बात तो की गई लेकिन स्वराज देने की बात नहीं की गई। इससे देश के सिटीजन्स को, फ्रीडम फाइटर्स को काफी निराशा हाथ लगी। एक साल बाद 1919 में रोलेट एक्ट आया। रोलेट एक्ट में प्रोविजन ये था, किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है और बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में बंद करके रखा जा सकता है। सिविल लिबर्टीज को कर्व किया गया इस रोलेट एक्ट की सहायता से। और हेबियस कॉर्पस मतलब प्रोड्यूस द बॉडी, जो रिट पिटीशन का प्रोविजन है आज के समय में हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 32 के अंतर्गत, इस हेबियस कॉर्पस प्रोविजन को भी सस्पेंड कर दिया गया। तो इस रोलेट एक्ट के विरोध में रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। मास स्केल पर प्रोटेस्ट हुआ, नेशनल वाइड हड़ताल हुई। ये पहली ऑल इंडिया स्ट्राइक थी सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल रोलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी एक्ट के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत से लोग इकट्ठा हुए सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के अरेस्ट का विरोध करने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन निहत्ते लोगों पर गोलियां चला दी। 13 अप्रैल की यह घटना थी। इस घटना में हजारों लोगों की जान चली गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया और गांधी जी ने भी केसर ए हिंद खिताब को वापस कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था, लेकिन हंटर कमीशन ने जनरल डायर के अगेंस्ट एक्शन ना लेने के लिए रिकमेंडेशन दी। 1919 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट के अंतर्गत प्रोविंशियल लेवल पर डायर्की का प्रोविजन किया गया और 2 लिस्ट बनाई गई इस एक्ट के अंतर्गत, एक रिजर्व लिस्ट और दूसरी ट्रांसफर लिस्ट। मेंबर्स को नो कॉन्फिडेंस प्रेजेंट करने की पावर मिल गई। काउंसिल में 70% मेंबर्स इलेक्ट हो सकते थे। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। गवर्नर को वीटो और ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर मिल गई और मेंबर्स बजट को रिजेक्ट भी कर सकते थे। हालांकि गवर्नर के पास पावर थी बजट को फिर से रिस्टोर करने की। और बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर, कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी, मतलब वाइसरॉय के पास ही सभी पावर्स थी। 2 लिस्ट का प्रोविजन किया गया, एक सेंट्रल लिस्ट और दूसरी प्रोविंशियल लिस्ट, जैसे देखो आज के समय में देश के संविधान के 7वें शेड्यूल में पावर्स डिवाइडेड है ना सेंटर और स्टेट्स के बीच। तो ये शुरुआत हुई थी 1919 से। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 8 मेंबर्स हो सकते थे जिसमें 3 भारतीय हो सकते थे। बायकैमरलिज्म, जैसे राज्यसभा और लोकसभा आज के समय में हमारे देश में है, इसकी स्टार्टिंग भी 1919 से हुई थी। राज्यसभा यानी कि अपर हाउस में सिर्फ मेल हो सकते थे और राज्यसभा में यानी अपर हाउस में 1 मेंबर का कार्यकाल 5 साल तक का हो सकता था। लोअर हाउस में 1 मेंबर का कार्यकाल 3 साल तक का हो सकता था। बजट का सिर्फ 25% हिस्सा सब्जेक्ट टू वोट था, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल बजट के सिर्फ 25% हिस्से पर वोट कर सकती थी और बाकी बचे हुए 75% हिस्से पर उनका कोई बस नहीं था। इसी एक्ट के तहत यूपीएससी को सेटअप किया गया था। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न इंडिया टाइमलाइन का 3rd पार्ट है। वैसे तो देखो आप में से कुछ लोगों को ये लगा होगा कि एग्जाम से 1 दिन पहले अब इस वीडियो का क्या मतलब है। देखो बात तो आपकी भी ठीक है, बट एडिटिंग टीम ने बहुत मेहनत की और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी कंप्लीट नहीं हो सका, तो इसीलिए इसे लास्ट मोमेंट पर इसे पब्लिश करना पड़ रहा है। किसी को भी इससे फ़ायदा अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सॉरी इसे लास्ट मोमेंट पर पब्लिश करना पड़ रहा है। 1919 में ही नेहरू कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट होती है। रीजन्स फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद खलीफा की पोस्ट को रिमूव करने के विरोध में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है।
एक खिलाफत कमेटी बनती है जिसे इस्टाब्लिश किया गया था शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना आजाद के द्वारा। दिल्ली में एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी भी इस्टाब्लिश होती है। महात्मा गांधी को इस कमेटी में प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया था। 1919 के अंत में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन इस्टाब्लिश होती है। इसे इस्टाब्लिश किया जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सप्रू और एम आर जयकर के द्वारा। इसके बाद 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरेज साइन होती है। इसके अंतर्गत तुर्की को डिसमेंबर कर दिया गया था। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है। इसके बाद एक तिलक स्वराज फंड इस्टाब्लिश किया जाता है। जितना सोचा गया था उससे ज्यादा पैसा आता है इस तिलक स्वराज फंड में, यानी ओवर सब्सक्राइब्ड होता है ये फंड। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी के द्वारा अलाहाबाद से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की जाती है। सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज होता है कलकत्ता में, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल दे देता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का उद्देश्य था पंजाब में जो गलत हुआ, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसका विरोध करना, खिलाफत का समर्थन करना और स्वराज को प्राप्त करना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्कूल्स को, कोर्ट्स को, काउंसिल को, फॉरेन गुड्स को बायकॉट करने का निर्णय लिया गया था। टैक्सेशन का भी विरोध करने का निर्णय लिया गया था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर सेशन ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इंडोर्स किया गया और यह भी डिसाइड किया गया कि स्वराज पाने के लिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मींस, जो कि पीसफुल हो और लेजिटिमेट हो, उनका भी सहारा लिया जाएगा। कांग्रेस की फंक्शनिंग से संबंधित भी रिफॉर्म्स आए इसी नागपुर सेशन में। जैसे डिसाइड किया गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनेगी जिसमें 15 सदस्य होंगे और प्रोविंशियल कमेटीज भी गठित की जाएंगी लैंग्वेज के आधार पर, यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पर। ये जो कुछ चीजें हुई कांग्रेस की फंक्शनिंग से संबंधित, इनसे खुश नहीं थे कुछ लीडर्स जैसे जीना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल। तो इन लीडर्स ने उस समय कांग्रेस को छोड़ दिया। उसी समय एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस्टाब्लिश होती है, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं लाला लाजपत राय। इसके बाद 1921 में खिलाफत कमेटी मुस्लिम्स को एक कॉल देती है कि आप ब्रिटिश आर्मी में सर्व मत कीजिए। 1921 में मोपला रिबेलियन भी होती है। इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम टेनेंट्स जिन्हें मपिला के नाम से जाना जाता था, उन्होंने ब्रिटिश टेनेंसी लॉज का विरोध किया। उनका यह मानना था जो ये ब्रिटिश टेनेंसी लॉज हैं, ये जमींदारों को सपोर्ट करते हैं जो कि मोस्टली हिंदूस थे। शुरुआत में तो महात्मा गांधी के द्वारा इस मोपला रिबेलियन का समर्थन किया गया, लेकिन बाद में जब इस रिबेलियन में वायलेंस हुआ तो महात्मा गांधी ने इस रिबेलियन से खुद को दूर कर लिया। इसी मोपला रिबेलियन के दौरान एक वैगन ट्रेजेडी भी घटित होती है। हुआ ये था, ब्रिटिशर्स कुछ प्रिजनर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे थे। उनमें से 67 प्रिजनर्स की दम घुटने के कारण डेथ हो जाती है। इसे वैगन ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। 1921 में ही एक बॉडी इस्टाब्लिश होती है, चैम्बर ऑफ प्रिंस। ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है ब्रिटिश सरकार को एडवाइस देने के लिए। ये बॉडी प्रिंसली स्टेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। इसके बाद 1922 में 1 फरवरी को महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश सरकार को धमकी दी जाती है, अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा नहीं किया गया तो कांग्रेस के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन 4 दिन बाद 5 फरवरी को चोरी चोरा की घटना हो जाती है यूपी के गोरखपुर में। इस घटना में उग्र क्राउड ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। इसके एक हफ्ते बाद 12 फरवरी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है बारडोली में। यहां से महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। उनका यह मानना था लोग अभी भी नॉन वायलेंस का मतलब नहीं समझ पाए हैं। महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद उनको 6 साल की सजा सुनाई जाती है। तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा लीडर बनते हैं और वो सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलते हैं। खिलाफत की जो पोस्ट थी वो इसके बाद इरिलेवेंट और इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। 1922 में कांग्रेस का गया सेशन भी ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें स्वराजिस्ट ने प्रपोजल रखा था कि कांग्रेस काउंसिल को ज्वाइन करे। उद्देश्य ये था स्वराजिस्ट का, या तो काउंसिल को चलने ही ना दिया जाए या फिर ये इंश्योर किया जाए कि काउंसिल अपने उद्देश्य को अचीव ना कर सके।
मतलब जिस पर्पस के साथ काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया है वो पर्पस पूरा ना हो सके। लेकिन स्वराजिस्ट का ये प्रपोजल कांग्रेस में डिफीट हो जाता है। इसके बाद 1 जनवरी 1923 को स्वराजिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश होती है। कांग्रेस के अंदर ही इसको इस्टेब्लिश किया जाता है मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और एन सी केलकर के द्वारा। सी आर दास स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं। कांग्रेस में देखो उस समय एक तरफ स्वराजिस्ट थे और दूसरी तरफ नो चेंजर्स थे। नो चेंजर्स में वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद ये सब लीडर्स थे। उनके द्वारा क्या काम किया गया, आश्रम खोले गए, चरखा मूवमेंट, नेशनल स्कूल्स ओपन किए गए और अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए काम किए गए। और दूसरी तरफ स्वराजिस्ट तो काउंसिल के अंदर एंटर करके अपनी गतिविधियां चला रहे थे। इसके बाद 1924 में वाइकोम सत्याग्रह चलता है। ये चलाया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। कहां पर? ट्रेवनकोर में। किसके अगेंस्ट? अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भी इस्टेब्लिश होती है, HRA। इसको इस्टेब्लिश किया जाता है राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल के द्वारा। ये लोग आर्म्ड रिबेलियन में विश्वास रखते थे। इसके एक साल बाद 1925 में 9 अगस्त को काकोरी इंसिडेंट घटित होता है। इस घटना को अंजाम दिया जाता है HRA के बिस्मिल और आजाद के द्वारा। काकोरी लखनऊ में है। इस इंसिडेंट में एक ट्रेन लूटी जाती है। 1925 में ही MN रॉय के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश की जाती है कानपुर में। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी बनते हैं VS घाटे। विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट बनते हैं 1925 में ही। और 1925 में ही सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती हैं। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। वैसे इससे पहले 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट पहली महिला थी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है। और 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं बेलगाम में। इसके एक साल बाद 1926 में लॉर्ड इरविन देश के वायसराय बनते हैं। अगले साल 1927 में मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिना 4 प्रपोजल्स देते हैं कांग्रेस को, जिन्हें डेली प्रपोजल के नाम से जाना जाता है। इनमें से मुख्य प्रपोजल थे जॉइंट इलेक्टोरेट और मुस्लिम्स को 1/3 रिजर्वेशन देना। कांग्रेस इन प्रपोजल्स को स्वीकार कर लेती है। 1927 में ही साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है। साइमन कमीशन जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं लेकिन एक भी भारतीय नहीं थे। इस कमीशन का नाम पड़ता है जॉन साइमन के नाम से, जो इस कमीशन को हेड कर रहे थे। इस साइमन कमीशन को काम दिया जाता है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करना। कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज होता है मद्रास में 1927 में ही, जिसमें यह डिसाइड किया जाता है साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं है। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचता है लेकिन इस कमीशन का बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है। साइमन गो बैक के नारे लगते हैं जगह जगह पर। साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में ही पुलिस के द्वारा प्रोटेस्टर पर लाठियां चलाई जाती हैं, जिसमें लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मौत हो जाती है। साइमन कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट में इंडिया में फेडरलिज्म के आइडिया को प्रपोज किया जाता है। इसके अलावा ये भी रेकमेंड किया जाता है डायरकी जो है इसको एबोलिश कर दिया जाए, प्रोविंस लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए लेकिन सेंटर में कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ना इस्टेब्लिश की जाए। इसके बाद सेक्रेटरी बर्कन हेड ने इंडियन लीडर्स को एक चैलेंज दिया था कि आप अपना संविधान बना के दिखाओ। इसे बर्कन हेड चैलेंज के नाम से जाना जाता है और इसी चैलेंज को इंडियन लीडर्स ने स्वीकार किया था। इसके बाद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी को सेटअप किया गया था जिसके चेयरमैन बने मोतीलाल नेहरू। काम दिया गया था इस कमेटी को संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। इस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सप्रू जैसे लीडर्स भी थे। जवाहरलाल नेहरू इस कमेटी के सेक्रेटरी थे। नेहरू रिपोर्ट जब आती है तो इसमें रेकमेंड किया जाता है नो सेपरेट इलेक्टोरेट, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला जाता है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंस इस्टेब्लिश करने की बात बोली जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट डोमिनेंट स्टेटस की बात बोली जाती है। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया जाता है, यानी सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया जाता है। ये चेंज होता है भगत सिंह के इंसिस्ट करने के बाद।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेती है। सैंडर्स का मर्डर करके, मर्डर करना था स्कॉट का, लेकिन गलती से सैंडर्स का मर्डर हो जाता है। इस घटना में इन्वॉल्व थे भगत सिंह, आजाद और राजगुरु। इसके बाद कांग्रेस का कलकत्ता में सेशन ऑर्गेनाइज होता है। इस सेशन में नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और ब्रिटिश सरकार को एक साल का वक्त दिया जाता है इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस देने के लिए। अगले साल 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के सामने अपनी 14 डिमांड्स रखते हैं, जिसमें मुख्य डिमांड्स थी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और रिजर्वेशन दिया जाए मुस्लिम्स को एक तिहाई। 1929 में ही लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका जाता है। उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को डिस्कस किया जा रहा था। 1929 में ही इरविन स्टेटमेंट आता है, जिसे दीपावली डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इरविन स्टेटमेंट में कहा गया था ब्रिटिश सरकार की इंटेंशन है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, जो कि 1917 के मोंटेग्यू डिक्लेरेशन में इम्प्लीसिट है, यानी साफ है। इरविन स्टेटमेंट में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी प्रोमिस की गई थी। इसके बाद एक डेली मैनिफेस्टो आता है, जिसमें मांग रखी जाती है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए होनी चाहिए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस का होना चाहिए, लेकिन डेली मैनिफेस्टो को इरविन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। 1929 के अंत में लाहौर में कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज होता है, जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। लाहौर सेशन में यह डिसाइड किया जाता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट किया जाए, पूर्ण स्वराज पर रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया जाता है और डिसाइड किया जाता है 26 जनवरी का जो दिन है, इसे इंडिपेंडेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाए और इंडिपेंडेंस के लिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू के द्वारा रावी रिवर के किनारे पर तिरंगा लहराया जाता है। नेक्स्ट ईयर 1930 में गांधी ब्रिटिश सरकार के सामने 11 डिमांड्स रखते हैं, जिसमें मुख्य डिमांड्स थी शराब पर बैन लगाना, सोल टैक्स को एबोलिश करना, जो कि बहुत ज्यादा ओप्रेसिव था, लैंड रेवेन्यू को 50% तक कम करना। अल्टीमेटम दिया गया था इरविन को इन 11 डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए 31 जनवरी 1930 से पहले पहले, लेकिन इरविन का कोई रिस्पांस नहीं आया। इसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। 12 मार्च को सोल्ट सत्याग्रह स्टार्ट होता है। गांधी दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं साबरमती आश्रम से। दांडी मार्च में शुरुआत में 78 मेंबर्स होते हैं। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी के कोस्ट पर पहुंचते हैं और सोल्ट लांस को तोड़ते हैं। इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग अलग फॉर्म में देश के अलग अलग इलाकों में फैलती है। जैसे बिहार में नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन चलता है। पेशावर में रेड शर्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है, इसे लीड किया जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। और तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी मार्च करते हैं तिरुचिरापल्ली से लेके तंजोर कोस्ट तक। मई में महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है। 1930 में ही लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें कांग्रेस तो हिस्सा नहीं लेती, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, लिबरल्स, अंबेडकर, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। बट ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है। इसके बाद जनवरी 1931 में महात्मा गांधी और दूसरे लीडर्स को बिना किसी कंडीशंस के रिलीज कर दिया जाता है। महात्मा गांधी को ऑथराइज किया जाता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा इरविन से बात करने के लिए। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस पैक्ट में सरकार राजी हो जाती है प्रिजनर्स को रिहा करने के लिए और पर्सनल बेसिस पर सोल्ट बनाने का अधिकार जो है वो भी जनता को दे दिया जाता है। मतलब कॉमर्शियल लेवल पर सोल्ट बनाने का अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन पर्सनल यूज के लिए नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। इसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद कराची में एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज होता है,
जिसको हेड किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और इस स्पेशल सेशन में दिल्ली पैक्ट को इंडोर्स किया जाता है, कराची सेशन में स्वराज के गोल को दोहराया जाता है, फंडामेंटल राइट्स का एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को भी एडोप्ट किया जाता है। इसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है। इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे। सरोजनी नायडू हालांकि देखो इस सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस में हिस्सा तो लेती हैं, लेकिन वो महिलाओं की तरफ से थी, वो कांग्रेस की तरफ से नहीं थी। सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस भी फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्वराज के नाम पर कोई सहमति नहीं बन पाती और महात्मा गांधी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट थे। 29 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके बाद 1932 में महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है, सिविल मार्शल लॉ ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगा दिया जाता है, कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है। 1934 आते आते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बहुत कमजोर हो जाती है, फिजल आउट हो जाती है। 1932 में ही कम्युनल अवार्ड आता है, जिसे पीएम रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस कम्युनल अवार्ड के तहत डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन किया गया था। हालांकि देखो कांग्रेस ने इस कम्युनल अवार्ड को ना तो एक्सेप्ट किया और ना ही रिजेक्ट किया, बट महात्मा गांधी के द्वारा इस कम्युनल अवार्ड का अपोजिशन किया गया था। इस कम्युनल अवार्ड के विरोध में महात्मा गांधी इनडेफिनेट फास्ट करने लगे पुणे की यरवदा जेल में। बाद में 1932 में ही पूना पैक्ट साइन होता है अंबेडकर और गांधी के बीच। पूना पैक्ट में डिसाइड ये हुआ था डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनके लिए जो सीट्स रिजर्व्ड हैं उनको एक्सपेंड किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भी इस पूना पैक्ट को मान लिया। इसके बाद थर्ड राउंड टेबल कांग्रेस आयोजित होती है, इसमें भी कोई सेटलमेंट नहीं निकल के आता। नेक्स्ट ईयर 1933 में महात्मा गांधी हरिजन कैंपेन लॉन्च करते हैं। वो एक वीकली पत्रिका हरिजन भी चलाते हैं, पूरे देश में हरिजन टूर करते हैं। इस टूर के दौरान वो पैसा भी इकट्ठा करते हैं हरिजन सेवक संघ के लिए और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट डिप्रेस्ड क्लासेस के पक्ष में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। इसी बीच गांधी जी अपने आश्रम को साबरमती से वर्धा में शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो उन्होंने कसम खाई थी जब तक आजादी हासिल नहीं हो जाती इंडिया को मैं साबरमती आश्रम नहीं जाऊंगा। तो उस कसम को पूरा करने के लिए गांधी जी वर्धा में अपना आश्रम शिफ्ट कर लेते हैं। यह कसम उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान खाई थी। नेक्स्ट ईयर 1934 में आरबीआई एक्ट पास होता है। 1934 में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है, जिसको इस्टैब्लिश किया जाता है नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंदर ही बनती है। ये लेजिस्लेचर में एंटर करना चाहते थे, यानी संविधान को फॉलो करना चाहते थे। नेक्स्ट ईयर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। इसमें काफी सारे प्रोविजंस थे, जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोविजन था। फेडरल लेवल पर सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और दूसरी तरफ रिजर्व सब्जेक्ट्स। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रेजिडरी पावर्स यानी बची हुई जो पावर्स हैं वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। प्रोविंशियल लेवल पर ऑटोनमी का प्रोविजन किया गया था और डायरकी को खत्म करने की बात भी कही गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सपेंड करने की बात कही गई थी और तीन लिस्ट बनाई गई थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट ईयर 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनती है, जिसे इस्टैब्लिश किया जाता है सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 1936-37 में प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस भी कंडक्ट होते हैं। कांग्रेस ने उस समय इलेक्शन से पहले अपनी मैनिफेस्टो में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिजेक्ट किया था। देखो ये प्रोविंशियल लेवल पे जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं ना, ये फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, तो कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रोविंशियल इलेक्शंस में जीत प्राप्त की।
इसके बाद 1937 में 28 महीनों तक कांग्रेस का रूल रहा कई सारे प्रोविंसेस में। तो इस दौरान सिविल लिबर्टीज को एक्सपेंड किया गया, प्रेस को फ्रीडम मिली, पुलिस पावर को कर्ब किया गया, थोड़े बहुत एग्रेरियन रिफॉर्म भी आए, थोड़े बहुत लेबर रिफॉर्म भी आए। मतलब कांग्रेस ने अपने इस 28 महीनों के रूल में सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश की। नेक्स्ट ईयर 1938 में हरिपुरा सेशन आयोजित होता है। इस सेशन में बोस प्रेसिडेंट बनते हैं। इसी सेशन में एक कमेटी बनाई जाती है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, और इस कमेटी के हेड होते हैं नेहरू। अगले साल 1939 में त्रिपुरी क्राइसिस पैदा होते हैं। ये क्या थे? एक तरफ देखो बोस प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, दूसरी तरफ गांधी के कैंडिडेट सीतारमैया ये प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। तो बोस वर्सेस सीतारमैया कंपटीशन था। बोस ये इलेक्शन जीत गए थे, गांधी के कैंडिडेट सीतारमैया इलेक्शन हार गए थे। लेकिन गांधी ने सीतारमैया की हार को अपनी पर्सनल हार बताया। इसके बाद बोस को रिजाइन करना पड़ा प्रेसिडेंट की पोस्ट से, और बोस ने अपना अलग से एक ब्लॉक बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक, कैलकटा में। 3 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटेन इस युद्ध में इंडिया की सपोर्ट को डिक्लेयर कर देता है बिना कंसल्ट किए। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज इस इशू पर रिजाइन कर देती हैं। मुस्लिम लीग इस दिन को सेलिब्रेट करती है डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पर। नेक्स्ट ईयर 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर रेजोल्यूशन पास किया जाता है। इसमें मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड करती है टू नेशन थ्योरी के आधार पर। 1940 में ही अगस्त ऑफर आता है, ये ऑफर दिया जाता है वायसराय लिनलिथगो के द्वारा। इस ऑफर के तहत ये बोला गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी बनाई जाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो भी संविधान बनाएगी उसमें माइनॉरिटीज की कंसेंट होना अनिवार्य है। कांग्रेस ने इस अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया और कंप्लीट फ्रीडम डिमांड की। मुस्लिम लीग ने भी इस अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वो तो सेपरेशन चाहते थे। इसके बाद 1940 में गांधी जी के द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है। एम ये था एक तो सरकार को मजबूर करना कांग्रेस की डिमांड्स बनवाने के लिए, दूसरा इंडिविजुअल सत्याग्रह की सहायता से गांधी जी ये शो करना चाहते थे एक तरफ ब्रिटिश सरकार और दूसरी तरफ नाजीजम दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के दौरान डेली चलो एक कैंपेन चलता है। विनोबा भावे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे और नेहरू दूसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। नेक्स्ट ईयर 1941 में बोस जो हैं बड़ी बहादुरी से जर्मनी भाग जाते हैं, इसे ग्रेट एस्केप कहा जाता है। बाद में वो 1942 में जापान भी पहुंचते हैं। 1941 में ही कांग्रेस का बरदोली सेशन आयोजित होता है। इस बरदोली सेशन में इंडिविजुअल सत्याग्रह को सस्पेंड कर दिया जाता है और ब्रिटिश सरकार को ऑफर किया जाता है इंडिया इस सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिशर्स का साथ देगा, इस शर्त पर अगर युद्ध के बाद इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दी जाती है। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन इसलिए आता है क्योंकि एलाइज जैसे यूएसए का प्रेशर काफी ज्यादा था ब्रिटेन के ऊपर इंडिया की सपोर्ट हासिल करने के लिए। जापान भी रंगून तक पहुंच गया था, तो इंडिया की सपोर्ट हासिल करने के लिए ब्रिटेन ने इंडिया में क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन ने ऑफर किया कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा, पार्टीशन नहीं होगा, यूनियन बनाई जाएगी इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इस्टैब्लिश होगी युद्ध के खत्म होने के बाद, बट सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी बन सकता है अगर देश का कोई हिस्सा चाहे तो। कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और कहा इसमें इंडिपेंडेंस की बात नहीं बोली गई है,
और चूंकि इसमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन था इसलिए ये यूनिटी के भी अगेंस्ट है, इसलिए कांग्रेस ने पूरी तरह से क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई मुंबई से। वैसे देखो क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित जो रेजोल्यूशन है 14 जुलाई को वर्धा की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अडॉप्ट किया गया था। मकसद ये था क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने का कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो देश से विड्रॉ कर जाएं पूरी तरह से। इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ। जहां जहां ब्रिटिश विड्रॉ करती गई वहां वहां प्रोविजनल गवर्नमेंट्स भी बनी, कई सारी पैरेलल गवर्नमेंट बनी। जैसे देखो बलिया में चीतू पांडे के द्वारा पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई। इसके अलावा तुमलुक में, सतारा में भी पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी। सतारा में जो पैरेलल गवर्नमेंट बनी इसे परती सरकार के नाम से जाना जाता है। इस मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने नारा दिया डू और डाई काम। पब्लिक काफी ज्यादा उग्र हो गई थी इस मूवमेंट के दौरान, वायलेंस भी हुआ। क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है काफी बार, गांधी जी की कौन सी मूवमेंट के दौरान वायलेंस हुआ? आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। काफी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज भी हुई। उषा मेहता ने अंडरग्राउंड एक रेडियो चलाया। 1942 में ही सिंगापुर में मोहन सिंह के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी इस्टेब्लिश की जाती है। 1943 में मोहन सिंह इस इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस को हैंडओवर कर देते हैं। इसके बाद 1943 में महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो ब्रिटिश सरकार ने लोगों पर वायलेंस किया था इसके अगेंस्ट 21 दिनों का फास्ट करते हैं। वायसराय काउंसिल में 3 जो मेंबर्स हैं वो भी रिजाइन कर देते हैं इस इश्यू पर। सिंगापुर में बोस के द्वारा फ्री इंडिया के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है जिसे एक्सिस पावर्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगले साल 1944 में राजगोपालचारी फॉर्मूला निकल के आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को खत्म करने के लिए। इस फॉर्मूले में प्रोविजन ये था, अगर मुस्लिम लीग इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करती है तो कांग्रेस मुस्लिम बहुल्य इलाकों में प्लेबिसाइट करवाने को तैयार हो गई थी। इसके बाद 1945 में शिमला में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है जिसमें वेवल प्लान निकल के आता है। वेवल प्लान में यह बोला गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सभी पर्संस इंडियन होंगे एक्सेप्ट गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ, हिंदू और मुस्लिम्स बराबर की संख्या में होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और हिंदुओं की जो लिस्ट है वो कांग्रेस के द्वारा सौंपी जाएगी, मुस्लिम्स की जो लिस्ट है वो मुस्लिम लीग के द्वारा सौंपी जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को नहीं माना। कांग्रेस को लगता था कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं है। इसके बाद 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो जाता है। लाल किले पर INA ट्रायल्स चलते हैं जिसकी वजह से पूरे देश में गुस्सा था, लोग एजिटेशन करते हैं, कांग्रेस भी इस एजिटेशन को सपोर्ट करती है। इसके बाद जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं और इन जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस 102 में से 57 सीट्स जीतती हैं और मुस्लिम लीग 30 रिजर्व सीट्स को जीत जाती हैं। अगले साल 1946 में रॉयल इंडियन म्यूटिनी देखने को मिलती है HMIS तलवार पर, क्योंकि देखो रॉयल इंडियन नेवी के जो सोल्जर्स थे उनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इसके विरोध में ये रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी होती है। इसमें वायलेंस भी होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरवीन करते हैं। हालांकि देखो महात्मा गांधी इस म्यूटनी से खुश नहीं थे क्योंकि महात्मा गांधी आजादी के बाद फोर्स में पूरी तरह से डिसिप्लिन चाहते थे। 1946 में ही कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा इंडियंस को पावर ट्रांसफर की बात बोली जाती है और स्टेट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने की बात बोली जाती है। हालांकि कांग्रेस इसे रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है जिसके हेड नेहरू होते हैं। 1947 में एटली स्टेटमेंट निकल के आती है जिसमें
30 जून 1948 की डेडलाइन दी गई थी इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए, लेकिन इससे पहले 3 जून को माउंटबेटन प्लान निकल के आता है, जिसमें इंडिया के पार्टीशन का प्रपोजल रखा जाता है। फाइनली 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने मॉडर्न इंडिया की जो कंप्लीट टाइमलाइन है वो डिस्कस कर ली ऑलमोस्ट 1 घंटे में। तो आपको कैसे लगा ये प्रोजेक्ट? जो एडिटिंग टीम है उन्होंने देखो बहुत मेहनत की। आप अपना जो सजेशन है, जो भी फीडबैक है, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि आगे भी हम इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।